नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लखनऊ प्रॉपर्टी हब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल लखनऊ प्रॉपर्टी हब पे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ एक नया नोटिफिकेशन मिल सके और एक नया मकान हम आपको रोज़ लखनऊ लोकेशन में दिखा सकें। अगर आप लखनऊ में मकान प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो मैं प्रॉपर्टी दिखाता हूँ वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। और रोज़ की तरह मैं एक आज आपके लिए नई प्रॉपर्टी लेके आया हूँ और बेहद अच्छी लोकेशन में प्रॉपर्टी लेके आया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बारीकी से सारी चीज़ें समझ में आ सकें और बारीकी से सारी चीज़ें समझ सकें। अगर आपका बजट 60 तक, आपका 60 से 65 के बीच बजट है तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बेहद खास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस मकान की जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। आपका कल्याणपुर आता है सीमान नगर और ये कंचना बिहारी मार्ग पे आता है। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे, लोकेलिटी देखेंगे तो रिंग रोड जगरानी हॉस्पिटल का आपने नाम सुना होगा, जो मुंशी पुलिया और टेढ़ी पुलिया के बीच में एक लैंडमार्क है बहुत अच्छा, जो जिसका नाम जगरानी हॉस्पिटल है। वहाँ से इस प्रोजेक्ट की जो दूरी है वो लगभग आपकी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको ये मकान आपको देखने को मिल जाएंगे और आप मकानों का एलिवेशन देख सकते हैं कितना बेहद कितना खूबसूरत दिया गया है। तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है 3 मकानों की तो आप सामने देख सकते हैं। ये 3 मकान हमारे पास आते हैं जिनका प्लॉट साइज़ अगर देखा जाए तो 1200 स्क्वायर फीट इसका प्लॉट एरिया है 20x5 के करीब, और इसका जो कवर्ड एरिया है वो 1750 स्क्वायर फीट है। बहुत ही कम बजट में अच्छे मकान आपको मिल रहे हैं। तो हम आपको विजिट कराते हैं इन मकानों का। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका फेस जो है, इन मकानों का जो फेस है वो पूरा फेस में आपको मकान मिल रहे हैं। और रोड की बात की जाए तो आप रोड देख सकते हैं 25 फीट का पूरा आपको रोड मिल रहा है। इसमें सीवर कनेक्टेड है और आपकी पाइप की लाइन जो आपकी आती है, पानी की जो आपकी सप्लाई है, वाटर सप्लाई, वो भी आपको मकानों में मिल रही है। 25 फीट रोड पे अमूमन मकान इस लोकेशन में नहीं मिलते, लेकिन हम आपको ये मकान जो आपको ढूंढ के दिखा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। 25 फीट का रोड है, पूरा फेस के मकान है। 3 मकान हमारे हैं जो प्लॉट एरिया 1200 कवर, प्लॉट एरिया 1200 1750 3BHK का मकान है, जिसमें 3 बाथरूम 3 बेडरूम के साथ ड्राइंग हॉल प्लस पॉर्च एरिया मिल जाए। चलिए विजिट कराते हैं हम आपको इस मकान की, आइए चलते हैं। तो अभी हम आपको जो विजिट कराने वाले हैं वो जो सेंटर में हमारा मकान है, बीच का मकान, उस मकान की विजिट आपको कराने जा रहे हैं। तो इसका जो मकान का फ्रंट है वो 20 फीट इसका आपको फ्रंट मिल जा रहा है और फ्रंट में एलिवेशन में आप देख सकते हैं ऊपर से भी एक आपको जो लॉन एरिया उसके स्पेस में आपको एक अच्छी खासी रेलिंग सिक्योरिटी पर्पज़ से करके दी जा रही है। जो हमारा गेट है लगभग 8 फीट हाइट का गेट आपको आयरन का गेट मिल जा रहा है, जो कि पूरा आयरन वर्क करके दिया जा रहा है। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं अंदर की तरफ तो ये आपको बड़ा सा पोर्च एरिया देखने को मिल जा रहा होगा। पोर्च का जो स्पेस है लगभग, जो इसकी आपकी लेंथ है लगभग 18 फीट के करीब आपकी ये पोर्च एरिया का स्पेस आ जाता है, जिसमें बड़ी से बड़ी कार आपकी आराम से पार्क हो जाएगी। सामने 25 फीट का रोड है तो आप बाहर भी पार्क कर सकते हैं। जो लोकेशन है बहुत ही अच्छी लोकेशन आपको मिल जा रही है। और जस्ट पोर्च एरिया के बगल में अगर आप हमारे बाएं हाथ की तरफ देखेंगे, इस लोकेशन में आपको जो इस एरिया में आपको पूरा लॉन एरिया मिल जा रहा है। इसकी चौड़ान भी लगभग 5 फीट की आपको मिल जा रही है। बाहर आपको 2 नल मिल जाएंगे, एक समर सेबल का डायरेक्ट पॉइंट आपको मिल जाता है, एक आपको टंकी का पॉइंट मिल जाता है। और जो हमारा स्पेस है ये आपका पोर्च एरिया का स्पेस है, ऊपर सिंपल आपकी 2 कंसील लाइट्स आपको लगा के दी जा रही हैं। बाहर से ही आपको इसमें जीना मिल जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस लोकेशन में और इस एरिया में मकान प्लान करें, लगभग आप अगर 1200 स्क्वायर फीट के करीब मकान देख रहे हैं अपने बजट में, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ये मकान आपके लिए होने वाला। अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी हम एंट्री करते हैं पोर्च एरिया से। तो पोर्च एरिया में जो आपका ड्राइंग हॉल की तरफ से, तो ड्राइंग हॉल में आप देख सकते हैं जो आपका दरवाज़ा दिया जा रहा है, डबल चौखट का आपको दरवाज़ा, जिसमें बाहर से अगर आप देखेंगे तो जाली वाला दरवाज़ा आपको मिल जा रहा है, ताकि क्या है मच्छर मक्खर सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अंदर से जो दरवाज़ा आपको दिया जा रहा है पूरा वुडन वर्क वाला दरवाज़ा आपको दिया जा रहा है, इसकी भी क्वालिटी एक बहुत ही अच्छी है। ये हम दरवाज़े क्या करते हैं, स्पेशल ऑर्डर दे के दरवाज़े बनवाए जाते हैं। लॉक की बात की जाए तो अच्छा क्वालिटी का आपको और दरवाजे में लॉक मिल जा रहा है, अच्छी कंपनी का लॉक है। अभी हम हैं ड्राइंग हॉल में। तो ड्राइंग हॉल का स्पेस अगर देखेंगे तो लगभग ये 13x10 के करीब आपका ड्राइंग हॉल का स्पेस आ जाता है, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ का आपका ड्राइंग हॉल मिल जा रहा है। ड्राइंग हॉल में सामने की तरफ आप देखेंगे तो 6x6 की विंडो आपको मिल जाएगी और दोनों तरफ से डबल चौखट की, इसमें डबल चौखट की विंडो है। एक तरफ आपको कांच वाला खिड़की मिल जाएगा, अंदर से आपको जाली वाली खिड़की मिल जा रही है। और अगर आप AC लगाना चाहते हैं तो AC का पॉइंट आपको
यहीं पे मिल जा रहा है। और एंकर कंपनी जो कि एक अच्छा खासा ब्रांड है, तो फीचर्स जितने भी इस मकान में लगाए गए सारे एंकर कंपनी के आपके फीचर्स लगाए जा रहे हैं। टाइल्स भी वर्टिफाइड टाइल्स आपकी अच्छी कंपनी के आपके टाइल्स मिल जा रहे हैं। और ऊपर की तरफ देखेंगे छत में तो कंसील लाइट्स के साथ आपको सिंपल पीओपी वर्क करके दिया जा रहा है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी इस मकान में। अब हम एंट्री करते हैं ड्राइंग हॉल के बाद जस्ट अपने डाइनिंग एरिया प्लस लॉबी के स्पेस में। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सा स्पेस आपका दिया गया, लगभग ये 19x13 के करीब आपका ये स्पेस आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही स्टैंडर्ड साइज का स्पेस है लॉबी प्लस आपका डाइनिंग एरिया। और जस्ट हमारे दाहिने हाथ पे देखेंगे तो जस्ट आपका डाइनिंग एरिया सटा हुआ हमारा किचन आ जाता है, जो कि हम आपको मॉडुलर दे रहे हैं, जिसमें चिमनी आपको लगा के दे रहे हैं, सारे पुल आउट्स आपको मिल जा रहे हैं। और चिमनी आप देख सकते हैं यहाँ सनफ्लेम की आपको चिमनी मिल जाती है, जिसकी 7 साल की वारंटी आपकी रहती है। सारे आपके किचन में पुल आउट्स आपको 6 से 7 करीब आपको पुल आउट्स मिल जा रहे हैं, ऊपर सारे आपके बॉक्सेस मिल जा रहे हैं, सारे नीचे लाइट हम आपको लगा के दे रहे हैं। तो किचन है आपका लगभग मेरे हिसाब से पूरा मॉडुलर किचन है, सिर्फ चूल्हा छोड़ के इस किचन में सारी जो रिक्वायरमेंट होती है किचन की वो हम आपको फुलफिल करके दे रहे हैं। और इस एरिया में ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं छत का जो स्पेस है उसमें सिंपल पीओपी वर्क करके दिया जा रहा है, 3 आपके फैन के जो स्पेस रहते हैं फैन लगाने के वो स्पेस आपको मिल जा रहे हैं। और जस्ट सामने की तरफ आप अगर देखेंगे आपने लॉबी और डाइनिंग एरिया के स्पेस से 2 बेडरूम आपको सामने की तरफ मिल जाएंगे। और इन बेडरूम का जो साइज़ है लाइक एक का साइज 14x10 के करीब आएगा, एक का लगभग 13x9 के करीब आएगा। तो 2 बेडरूम हमारे सामने की तरफ बेडरूम मिल जाएंगे। एक बेडरूम में आपको अटैच टॉयलेट मिलेगा जो कि हमारे सामने वाला बेडरूम है, स्पेस ही आप देख सकते हैं। इस बेडरूम का जो साइज है 13x10 के करीब ये बेडरूम आपको मिल जाएगा, ऊपर सिंपल पीओपी वर्क करके आपको छत पे दिया जा रहा है। और कलर की बात की जाए तो सिंगल अभी कोट कलर हुआ है, तो कलर जो क्वालिटी है अभी से आपको देखने को मिल रही है। आजकल मोमन कह रहा था कि मकानों में मकान बनाने के बाद आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सीलन रहती, तो इन मकानों में आपको सीलन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और जस्ट पीछे की तरफ देखेंगे तो ये हमारा अटैच वॉशरूम आ जाएगा, जो कि हम आपको वेस्टर्न दे रहे हैं। और वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आपको OTS से एक विंडो मिल जा रही है। इस विंडो का साइज़ जो आप देखेंगे 3x6 के करीब आपको विंडो का साइज़ मिल जाएगा, डबल चौखट की इसमें विंडो लगाई गई है। सारे स्विचेस जो हैं वो मॉडलर आपको मिल रहे हैं। और अगर कॉमन बाथरूम की बात की जाए तो बाहर से ही हमारा जस्ट बाहर अगर आप देखेंगे छोटा सा आपका लॉन एरिया स्पेस आता है, OTS का स्पेस आता है। OTS के स्पेस में आप देख सकते हो छोटा सा OTS है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। और बगल में ही हमारा कॉमन वाशरूम आ जाता है, गेस्ट वगैरह वगैरह के लिए आपको कॉमन वाशरूम मिल जाएगा। इसका भी साइज लगभग 6x5 के करीब आता है। और जस्ट इधर बगल में अगर आप देखेंगे दूसरा बेडरूम जो हमारा है वो तो मास्टर बेडरूम था, दूसरा जो बेडरूम हमारा है इसका भी अगर साइज देखेंगे तो इसका साइज आपका 9x14 के करीब आएगा। 9x14 का दूसरा बेडरूम आपको मिल जा रहा है, ऊपर सिंपल पीओपी वर्क करके दिया जा रहा है। पीछे की तरफ आपको एक स्टोर मिल जाएगा, इसको आप स्टोर रूम या पूजा घर कुछ भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपको किस तरीके से इस स्पेस को आप यूज करना चाहते हैं। तो ये आपका सिंपल सा एक स्टोर टाइप में मिल जाएगा। पीछे की तरफ आप जस्ट पीछे जैसे थोड़ा जाएंगे तो ये हमारा OTS का स्पेस आता है। OTS का स्पेस अच्छा खासा बड़ा सा स्पेस है। इस स्पेस में लोग अमूमन क्या है कि जो आपको टाइल्स वर्क हम करके दे रहे हैं ये आपको कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन इस मकान में हम आपको टाइल्स वर्क करके दे रहे हैं। लगभग 6 फीट हाइट तक के आपको टाइल्स वर्क मिल रहा है और सिंपल ऊपर से आपको जाल मिल रहा है। तो यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह आप रख सकते हैं, उसका स्विच यहाँ पर दिया गया, एक नल आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। तो अमूमन इस मकान में जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर हम आपको 2 बेडरूम के साथ कार पोर्च एरिया ड्राइंग हॉल प्लस मॉडुलर किचन दे रहे हैं। मेरे हिसाब से इस मकान में जो भी रिक्वायरमेंट होती रहने के लिए सारी चीज़ें हम फुलफिल करके दे रहे हैं। और बात की जाए समर सेबल की पानी की, तो हम इसमें प्रत्येक मकान में इंडिविजुअल समर सेबल आपको लगा के दे रहे हैं। अब चलते हैं हम छत की तरफ, आपको छत पे दिखाते हैं जो हमारा तीसरा बेडरूम है, फर्स्ट फ्लोर पर जो बेडरूम है वो किस तरीके से बेडरूम दिया गया है, क्या क्या चीज़ें छत पर दी जा रही हैं। आज चलते हैं छत की तरफ। अब गए यार, अभी हम जीने पर खड़े हैं तो जीना आप देख सकते हैं, जो आपको फर्स्ट फ्लोर पर जीना लेके जाएगा उसका जो चौड़ाई दिया गया वो 3 फीट का आपको चौड़ाई दिया जा रहा है। और जो आपको रेलिंग दी जा रही वो SS की रेलिंग आपको मिल जा रही, जो ISI से आपकी सर्टिफाइड रेलिंग है। और मार्बल लगा के आपको दिया जा रहा है, जो कि
अच्छा खासा अच्छी कंपनी का आपको मार्बल मिल जा रहा है। अब चलते हैं छत की तरफ। और जैसे ही हम आपके फर्स्ट फ्लोर पे आते तो ये स्पेस जो आप देख रहे हैं हमारा बालकनी का स्पेस है। यहाँ पे आप चार पांच चेयर डाल के आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा खासा स्पेस दिया गया बालकनी का। और बालकनी के जस्ट साइड में आप देखेंगे स्पेस आपको थोड़ा बहुत स्पेस और मिल जा रहा है। तो चीज़ें अच्छी खासी आपकी बालकनी में मिल जा रही हैं। और बालकनी जस्ट आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये आपको एक सिंपल गैलरी टाइप में ऊपर ममटी है। अच्छा गैलरी टाइप में पीछे जाने के लिए आप जो ओपन आपकी छत है वहाँ जाने के लिए आपको स्पेस मिल जा रहा है। और एक बेडरूम आपको ऊपर मिल जा रहा है। और ये बेडरूम हमारा अच्छा बड़ा और इस बेडरूम का जो साइज है 10x14 के करीब ये बेडरूम आपका आ जाता है। 10x14 आपको फर्स्ट फ्लोर पे एक बेडरूम मिल जा रहा है। सारी चीज़ें जो नीचे देखी थी सेम उसी तरीके से इस बेडरूम में भी आपको दी जा रही है। 6x6 की विंडोज ऊपर की आपकी सिंपल ऊपर जो POP वर्क है सिंपल वर्क करके दिया जा रहा है। और लोकेशन इसकी बहुत ही अच्छी लोकेशन है। अगर आप लखनऊ में मकान प्लान कर रहे हैं एक अच्छी लोकेशन में मकान प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये लोकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाली है। और इस साइज़ का मकान आपको इस लोकेशन में नहीं मिलेगा। और चारों तरफ आपकी अच्छी खासी आबादी है, चारों तरफ लोग रह रहे हैं। अभी हम छत पे आ चुके हैं तो ये आपका पूरा स्पेस ओपन आपका छत है। और ऊपर जाने के लिए ममटी की स्पेस छत के ऊपर जाने के लिए एक अलग सी सीढ़ी आपको दी जा रही है जो आयरन वर्क की आपकी है। आई चल के ऊपर भी दिखाते हैं। एक सीढ़ी आपको 3 फीट हाइट की चौड़ाई की आपको सीढ़ी ये मिल जा रही है जो कि आयरन वर्क करके दी जा रही है। अब यहाँ से आप चारों तरफ का एक अच्छा खासा बसावट देख सकते हैं। सामने जो आपको टावर्स दिख रहे हैं हमारा रिंग रोड के टावर सारे आपको दिख रहे हैं। और सामने आपको टेढ़ी पुलिया की तरफ इधर आपको टेढ़ी पुलिया पड़ जाती है। टेढ़ी पुलिया से इस प्रोजेक्ट दूरी मात्र आपकी 2 किलोमीटर पड़ेगी। रिंग रोड आपके जगरानी हॉस्पिटल से इसकी 1 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से चारों तरफ आप जो बसावट देख रहे हैं आपके रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अंत में बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की जो हमारी जो रेट रखा गया इन मकानों का जो रेट है वो रेट आपका 62 लाख रुपए रखा गया। 62 लाख रुपए इन मकानों का रेट है। अगर आप इन मकानों के विजिट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सीधे हमें कॉल करके आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। और अंत में अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।